गाड़ी है देखो ऐसा है कि ये महामारी इस लेवल पे है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सारे डॉक्टर सारे रिसर्च सेंटर सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बीमारी काबू में नहीं आई। जिन्होंने टीका लगाया उनके कम चांस हैं बीमारी आने के, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने पे, नहीं तो टीका लगाने वाले लोगों के भी ये बीमारी आ रही है। दूसरा, अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड जो मंगवाया गया है ये उन गांवों में छिड़काव करने के लिए मंगाया, ताकि हमारे सुवाणा के प्रधान जी भी हैं, मांडल के प्रधान जी भी हैं, तो हर पंचायत पे सरपंच साहबान सचिव साहबान जनप्रतिनिधि वार्डपंच साहबान मिलकर सब जगह छिड़काव करेंगे। तो जो वायरस है और भी कई तरह की बीमारी फैलाने वाले वायरस हैं, तो आदमी को कमजोर करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, जिससे एक सुचारू रूप से स्वस्थता आएगी तो बीमारी नहीं होगी। दूसरा, और हमने इसमें अभी जो कंसल्टेटर मंगवाए हैं विधायक कोर से, तो तमाम सीएससी पीएससी जो मेरे विधानसभा में आती है, जिनमें पांच तो सीएससी, एक सुवाणा में सीएससी है, मांडल है, भगवानपुरा है, करेड़ा है, बागोर है, प्लस पीएससी जितनी भी पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं उनपे मशीन हमने मंगवाई, ताकि वहीं हवा से ऑक्सीजन बनाकर तुरंत लोगों को राहत प्रदान कर सके। भविष्य में आने वाले समय में कोरोना के अलावा भी और कई बीमारियों में ऑक्सीजन की जरूरत होती, उस मशीन से फायदा होगा। तो जो जनता का पैसा जनता के काम आवे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यही कहना है।